ओम शांति। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है तो उसी समय वह जीवन चक्र के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही वह जन्म लेता है वैसे ही उसका मृत्यु भी अटल है। हिंदू धर्म के अनुसार जब मानव का जन्म होता है तो उसे अपने जीवन काल में कई सारे प्रथाओं को परंपराओं का पालन करना होता है। वैसे ही जैसे जन्म के साथ प्रथा और नियमों का पालन वो करता है, वैसे ही जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात भी हम कई सारी विधियाँ और मान्यताओं का पालन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर एक मनुष्य के ऊपर तीन प्रकार के ऋण होते हैं, जैसे कहते हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हमें इन तीनों ऋणों को अपने जीवन काल में चुकाना पड़ता है। जैसे कहा जाता है पितृ ऋण को पितृपक्ष में ही चुकाया जाता है। अगर तिथि के अनुसार देखें तो भाद्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस साल भी पितरों की पूजा का पक्ष, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, वह आज से यानी 2 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। मान्यताएं ये है कि देवताओं को प्रसन्न करने के पहले मनुष्यों को अपने पितरों को यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक पितृ तर्पण किया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 16 दिनों में अपने पितरों की मृत्यु तिथि अनुसार तर्पण करते हैं उसे पितरों के आशीर्वाद मिलती है। ऐसे व्यक्ति से उसके पितृ खुश होकर उसके जीवन में चल रही सभी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज किसी भी वेश में आकर अपना भाग ले जाते हैं, इसलिए दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आए तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। इन दिनों किया जाने वाला दान पूर्वजों को तृप्ति देता है, ऐसा मानना है। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वह श्राद्ध ग्रहण कर सके। कहते हैं अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो इसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है और वह भूतों के रूप में इसी संसार में यहाँ वहाँ भटकते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं जब महाभारत में युद्ध के दौरान जब महादानी कर्ण का निधन हुआ तब उनकी आत्मा स्वर्ग गई। वहाँ उन्हें खाने के लिए मान भोजन के लिए सोना, जेवरात और अन्य बहुत मौल्यवान वस्तु दिए गए। उनके कुछ भी समझ में नहीं आया तब उन्होंने इसके बारे में इंद्र देवता से पूछा। तब इंद्र देवता ने उन्हें बताया कि कर्ण जब जब आपने दान का शुभ कार्य किया तब तब आपने सिर्फ और सिर्फ सोना और अन्य आभूषणों का ही दान दिया, कभी भी आपने पूर्वजों के लिए अन्न दान नहीं किया और इसलिए आपको अभी खाने में सिर्फ सोना और आभूषण ही परोसा गया है। ये बात सुनकर कर्ण को बहुत आश्चर्य लगा क्योंकि कर्ण अपने पूर्वजों से जुड़े हुए इस विधि से बिल्कुल ही अनजान थे और इंद्र देवता से उन्होंने माफ़ी मांगते हुए उन्हें फिर से पृथ्वीलोक में जाकर अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगा। इंद्र जी ने भी उनका जैसे सारा जीवन क्रम देखा और सोचा कि ये तो बहुत महादानी है या उनके कई गुणों के कारण, कई विशेषताओं के कारण इंद्र ने भी उनकी विनंती का स्वीकार किया और उन्हें 15 दिनों के लिए फिर से पृथ्वीलोक पर भेजा ताकि वह अपने पूर्वजों के श्राद्ध का दान कर सके। इन 15 दिन के समय को पितृपक्ष के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। वह जो श्राद्ध का रिवाज है, इस रिवाज में जो हमारे पूर्वज है तो हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, उनके प्रति हमारा आदर सम्मान जाहिर करने का या प्रकट करने का यह दिन है।
श्राद्ध अर्थात अपने पूर्वजों का हमारे प्रति जो प्यार रहा, सम्मान रहा, या उनकी जो हमने पालना ली, उनके ऋण को चुकता करने का यह दिन है, जो कि पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध के दिन ना सिर्फ हम उन पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए हुए मधुर दिनों को भी हम याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को याद करते हैं, उनसे जो हमें सीखने को मिला, भावनात्मक रीति से हम एक दूसरे के साथ जो जुड़े रहे उनको हम याद करते, उनकी उनके साथ की जो यादें हैं वो हम याद करते हैं, उनके द्वारा जैसे हमें सहयोग मिला, हमारी उन्नति हुई, उन बातों को हम याद करते हैं, उनसे जो हमें सुख मिला उनका भी हमें स्मरण होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के अलावा अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, पिंडदान करना, तर्पण करना आदि आदि। ब्राह्मणों को भोजन खिलाना यह सबसे बड़ा पुण्य का कर्म माना जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उनका आदर सम्मान करते हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से यह भोजन पूर्वजों तक पहुंचता है जिनके लिए इस श्राद्ध का आयोजन किया हुआ है। परंतु देखा जाए कि आज के दिन वर्तमान समय के भेंट में पहले के जो ब्राह्मण थे वह अधिक यथार्थ रीति से उन पूर्वज आत्माओं का आह्वान करते थे और कहते हैं कि वो पूर्वज आत्माएं भी उनके तन में आकर वो भोजन ग्रहण करते थे, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति और योग की शक्ति द्वारा वह आत्माओं को अपने तन में बुलाते थे और अपने पूर्वजों का संदेश भी देते थे। परंतु वर्तमान समय में पूजनीय कहलाने वाले ब्राह्मण भी आज 5 विकारों से ग्रसित हैं। उनमें कुछ तो तामसिक पदार्थों का सेवन भी करते हैं और 5 विकारों के विशेष रूप से लोभ के भी वशीभूत होने के कारण उनमें अपनी पूर्ववत शक्तियां नहीं रही, इसलिए विभिन्न रीति रस्म जो वे पहले से संपन्न थे आज वो शक्तियाँ प्रायलोप हो गई है। यही कारण है कि आजकल बहुत कम ब्राह्मणों में श्राद्ध के दौरान पूर्वजों का आह्वान करने की शक्तियाँ हैं, क्योंकि एक ओर जहाँ माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना तन मन धन और समस्त शक्तियाँ लगा देते हैं, वहीं दूसरी ओर आजकल के बच्चे जब बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वह अपने माता पिता के इस त्याग और प्रेम को आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं और उनकी उपेक्षा भी करते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ गलत व्यवहार भी करने लगते हैं। इसलिए इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन माता पिता ने उन्हें इतना पाला पोसा, उनकी कदर उन्हें जीते जी नहीं हुई तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा के लिए शांति का श्राद्ध करना उनके निस्वार्थ प्रेम का मजाक उड़ाना है। श्राद्ध का सही अर्थ ही यह है कि माता पिता कहो या अन्य पूर्वज कहो जो इस शरीर का त्याग कर गए हैं, या यूँ कहे कि सरल शब्द में कहे कि जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसे आत्माओं को उनके बच्चे या अन्य रिश्तेदार हैं उनके बंधन से, चाहे वो मोह का बंधन है चाहे और कोई भी बंधन है, तो एक दूसरे को बंधनों से मुक्त कर देना यही श्राद्ध का यथार्थ अर्थ है। परंतु आज यह रस्म सिर्फ एक औपचारिकता ही रही है, क्योंकि न तो ब्राह्मणों में पहले जैसे गुण हैं, ना ही श्राद्ध कराने वाले लोगों में, श्राद्ध कराने वाले बच्चों में वो दिवंगत आत्माओं के प्रति वो प्यार है, वो श्रद्धा है, वो भावना है, कुछ भी नहीं है। तो कई बार ऐसे लगता है कि आत्माएं जब यहाँ से जाती है, हमारा साथ छोड़कर जाती है,
तब तक हम उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, उनको असंतुष्ट करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, और वो जाने के बाद उनके प्रति भोग खिलाना या उनके प्रति श्राद्ध खिलाना, ये कहाँ तक सही है? मतलब जब तक वो हमारे साथ है तब तक हमने उनके साथ गलत व्यवहार किया, और वो जाने के बाद क्या वो गलत व्यवहार बदल जाएगा? नहीं। तो इसलिए मतलब ये सारे रस्म रिवाज तो करना ही है, परंतु क्यों ना हम ऐसे सोचे कि जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, जो भी हमारे परिवार में है, तो जब तक हम जिंदा है तब तक ही हम उनको संतुष्ट करें, या कभी भी उन नाराज़ ना करें, हमारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिस कर्म से वो डिस्टर्ब हो जाए। तो यही सही अर्थ में श्राद्ध खिलाना कहो, या श्रद्धा से श्राद्ध खिलाना कहो, हो जाएगा। और दूसरा है पिंडदान। इस दिन हम चावल और तिल के बीज लेकर उनका छोटा छोटा गोला बनाते हैं और पूर्वजों की आत्मा के लिए शांति का दान करते हैं। अब इसका भावार्थ देखा जाए तो चावल, जो कि थोड़ा सा लंबा होता है, वो है शरीर का प्रतीक, और तिल माना आत्मा का प्रतीक। तो आत्मा और शरीर दोनों को ही शांति का दान देना, क्योंकि शरीर माना प्रकृति का एक अंग है, प्रकृति का तत्व है। तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो ये पांच तत्व को भी शांति देना आवश्यक होता है। इसलिए ये जो पिंड दान का महत्व है कि प्रकृति को भी और आत्मा को, दोनों को भी शांति की आवश्यकता है, तो दोनों को भी शांति का दान करना है। तीसरा है तर्पण करना। कहते हैं कि जल दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, इसलिए देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति और पूर्वजों के प्रति तर्पण किया जाता है, माना जलदान किया जाता है। जल अर्थात, जैसे यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि यह ज्ञान गंगा है, गंगा अर्थात जल, या शुद्ध शुद्ध पानी, शुद्ध पवित्र जल। अब जब हम किसी को अन्नदान करते हैं, जब हम किसी को वस्त्र दान करते हैं या अन्य कई चीज़ों का दान करते हैं, तो उस समय कुछ समय के लिए उस व्यक्ति की आश या उस व्यक्ति की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से उस व्यक्ति को अन्न की ज़रूरत होगी, उस व्यक्ति को वस्त्र की भी ज़रूरत होगी और अन्य कई चीज़ों की भी आवश्यकता होगी। मतलब ये बाकी के जो दान है भौतिक रूप से, वो अल्पकाल के लिए ही हम कर सकते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उन सारी चीज़ों की उस व्यक्ति को फिर से आवश्यकता होगी। परंतु जल दान देना अर्थात ज्ञान का दान देना, ज्ञान अमृत भी कहते हैं, ज्ञान गंगा भी कहते हैं, तो चाहे शब्द कोई भी हो, भाव यही है कि जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान के आधार से उनका जीवन बन जाता है, और किसी का जीवन बनाना यह सर्वश्रेष्ठ दान है, यह सर्वश्रेष्ठ पुण्य का कार्य है, जिससे हमें अनेक आत्माओं की दुआ मिलती रहती है। और एक बात है कि जैसे कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में दान करना सबसे बड़ा महापुण्य कहा जाता है, तो यहाँ परमात्मा हमें कहते हैं सबसे बड़ा दान जो है वो है अपने विकारों का दान, अपने अवगुणों का दान, अपने बुराइयों का दान, अपने गलत संग का दान। तो इन सारी बातों का दान जब हम करते हैं, अर्थात हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को जब हम निकालने का अभ्यास करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्मा के ऊपर कई जन्मों से जो ग्रहण लगा हुआ है वो निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो परमात्मा का हम सभी बच्चों के प्रति यही संदेश है कि परमात्मा को याद करके हम अपने अंदर के अवगुणों को निकाल के आत्मा के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है बुराइयों का, उससे हम छूट जाए, उससे हम मुक्त हो जाए, और यही सच्चा सच्चा
श्राद्ध है, यही सच्चा सच्चा मुक्त बनने का, अपने कर्म बंधनों से मुक्त बनने का सच्चे सच्चा विधि कहो, सच्चा सच्चा रास्ता कहो तो यही है। ओम शांति।